साइज का किडनी निकालने में एक ही आदमी से 13 किलो का ऑर्गन एक टाइम में निकालना काफ़ी रेयर है। ऐसे बड़ी किडनी तो हम काफ़ी निकालते हैं, लेकिन नॉर्मली 4-5 किलोज के रहते हैं, ये दोनों मिला के 13 किलो थे, काफ़ी रेयर है। इसके ऊपर दूसरा चीज़ है कि ये इमरजेंसी में आए थे, तो एकदम हमको टाइम नहीं था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे के तुरंत लेके ऑपरेशन करना पड़ा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इनको स्वाप ट्रांसप्लांट हो के जल्दी रिकवर भी हो सके। इनका वेट 106 किलो से 80 किलो हो गया हॉस्पिटल एडमिशन में ही एक हफ्ते के अंदर, और एक महीने के अंदर उनका ट्रांसप्लांट होके एकदम नॉर्मल हो गए। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि एक आदमी रहता है, आदमी औरत रहती है जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उनका रिलेटिव डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका या ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है या उनको एंटीबॉडीज रहते हैं अपने रिलेटिव से, तो वो किडनी नहीं ले सकते हैं। और हम लोग ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दूसरे कोई पैर है जिनका डोनर इनको मैच होगा और इनका डोनर उनको मैच होगा, हम लोग क्रॉस स्वाप कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ है इनका चीज़ में, नितिन जी के डोनर ने रोमन को दिया, रोमन का डोनर ने नितिन को दिया, तो दोनों एक दोनों पे चार ही ऑपरेशन एक ही टाइम पे हो जाते और ये स्वाप ट्रांसप्लांट हो जाता। डॉक्टर भरत शाह बात करेंगे इसके बारे में। हमारे डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसमें किडनी में पानी जैसे फुके भर जाते हैं, ये बीमारी अनकॉमन नहीं है। आज 100 केसेस किडनी फेलियर के रहेंगे, उसमें से 5 केसेस ये ADPKD की बीमारी के कारण होंगे, और वर्ल्ड ओवर भी उसका जो इंसिडेंस है, जो परसेंटेज है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अनकॉमन नहीं है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। उसको पहले से इसके बारे में बताते हैं कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और बच्चा जब पेट के अंदर रहता है, तो हम जेनेटिक स्टडी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर ये बीमारी बच्चों में है तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ये प्रिवेंशन है। एक बार चाइल्ड बर्थ हो जाता है, अगर उसकी बॉडी में वो जीन है तो उसको ये बीमारी होगी, इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आज एक नई दवाई आई है जिसको हम टॉलवैप्टन कहते हैं, अगर हम ये दवाई शुरू करते हैं तो जिस गति से ये किडनी की बीमारी बढ़ती है, वो गति को हम तो स्लो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम किडनी फेलियर को प्रिवेंट कर सकें। 2009 में जब मेरी मॉम का मेडिकल चेकअप हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि हमको ADPKD है, तो ये बीमारी जेनेटिक है तो आपके बच्चों में भी हो सकती है। तो मैंने बोला कि उनका भी ट्रीटमेंट कर चेकअप करने के लिए। जब चेकअप किया गया तो मेरा और मेरा भाई का दोनों जब रिपोर्ट्स आए, तो मैं ADPKD में मेरा प्रोसेस था, लेकिन मेरे भाई को नहीं था, क्योंकि वो जेनेटिक है, एक को होता है एक को नहीं होता। तो मुझे जब पता चलने के बाद, जब हम घर पे आए तो वो डिस्कस कर रहे थे कि अभी करना क्या है नेक्स्ट, तो बहुत सारी राय ली। मेरी एक आंटी है जो 2011 में उन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, मेरी मॉम की बहन है वो, तो उन्होंने डॉक्टर प्रशांत राजपूत, डॉक्टर भरत शाह का बारे में हमको बताया। तो हम जब इनके पास आए, उन्होंने बोला कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी जो भी है वो एक छोटे से लेवल पे है, उसको बढ़ने में काफ़ी टाइम होगा, तो जितना हो सके हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जितना हो सके हम उसको धीरे से उसका प्रोसेस चालू करेंगे। तो ऐसा कर करके अभी 10 साल तक मैं उनके यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। इन 10 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दवाई जो था मेरा कंटिन्यू था। 10 साल के बाद 2019 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, मेरे ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है। जो भी प्रोसेस था, मेरे जो किडनीज के साइज़ काफ़ी बड़े थे, तकरीबन 13 किलो के थे दोनों किडनी को निकाल के ट्रांसप्लांट एक महीने के बाद करके अभी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो मैं सब कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मुंबई टाइम्स।